सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन लेजर एक्सचेंज के बारे में, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन मिलेंगे जो किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे, और उन कॉइन के अंदर दोस्तों अगर आप सही रणनीति बना करके ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ओपन लेजर एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इसकी वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन कई बार दोस्तों होता क्या है कि आप कितना भी इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, ये वेबसाइट इस तरह से ओपन नहीं होती, यानी कि अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सिस्टम की डेट और टाइम जो है चेंज करना पड़ेगा और बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर एक भी मिनट आगे पीछे होता है टाइमिंग के अनुसार तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके लिए दोस्तों आप जो है बिल्कुल राइट टाइम जो है सेट कर लीजिए यहाँ पर, और अगर यहाँ पर आपसे सेट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली सर्च बार में यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर डालिए टाइम एंड डेट, एंड द डेट एंड टाइम हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बटन आपको दिखाई दे जाएगा सेट टाइम, ऑटोमेटिकली आप इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो राइट टाइम चल रहा होगा दोस्तों वो ले लेगा, और उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना पाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बटन दे रखा है क्रिएट अकाउंट का, आप यहाँ पर क्लिक करिए, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक है यूज द वॉलेट मॉडल का और एक है यूज द अकाउंट मॉडल का। तो दोस्तों हम यहाँ पर अकाउंट बनाने वाले हैं यूज द वॉलेट मॉडल का, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है अपना अकाउंट नेम, यानी कि आप अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखिए और वही पासवर्ड दोस्तों आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये सारे डिटेल दोस्तों फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है क्रिएट अकाउंट का, आप यहाँ पर क्लिक करिए, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका एक और पेज आपके सामने ओपन होगा, और यहाँ पर एक बटन आपको दिखाया गया है क्रिएट बैकअप नाउ। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करिए, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड का बटन आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इस फाइल को जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद कहीं पर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये बैकअप के काम आने वाली है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, एक डैशबोर्ड का, अकाउंट का, डिपॉजिट का, ट्रांसफर का और सेटिंग का। तो दोस्तों आप पहले डैशबोर्ड के ऊपर जाइए, जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका यूजर नेम दिखाई देगा, और यहाँ पर दोस्तों एक बटन दे रखा है सेटिंग का, आप यहाँ पर क्लिक करिए, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बार फिर से सेटिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी का अगर कुछ सेटअप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट का बटन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर वॉलेट में जा करके आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अकाउंट का बटन भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर से भी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड का बटन है, बैकअप का बटन है, यानी कि जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा प्रेफर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट का, आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सी करेंसी के अंदर अपना बैलेंस जो है शो करना चाहते हैं। आप जो भी यहां से सिलेक्ट करेंगे दोस्तों उसी की फॉर्म में आपको यहां पर ऊपर जो है बैलेंस दिखने वाला है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यूएसडी तो यूएसडी की फॉर्म में यहां पर दिखाई देगी, यानी कि कोई भी करेंसी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए उसी करेंसी की फॉर्म में एस्टिमेटेड वैल्यू यहां पर आपको दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं बीटीसी, और बीटीसी जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे बाकी जितना भी बैलेंस हम यहां पर डिपॉजिट करेंगे सारा का सारा बैलेंस जो है वो बीटीसी की फॉर्म में यहां पर दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ।